प्रियंका जी, वहां जाने से किसी को रोका नहीं जा रहा है। देखिए वहां जो आईन व्यवस्था यहाँ रियासत मगरबी बंगाल में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन ये जितने भी है लोग सब वहां आकर के मेरे यहाँ षड्यंत्र चलना चल रहे कि ताकि मेरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बात गौर से सुनिएगा, 2021 में बीजेपी ने कहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिस टाइम में वो यहाँ के सभापति श्री घोष बाबू थे, उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार, तो बंगाल के आवाम ने जनता उनको नकार दिया। बंगाल में आवाम जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी नहीं है, न किसान का है। मैंने आपसे पहले एक मिनट पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं, यहाँ औरतें कह रही है हमारी इज्जत लूटी जा रही है और आप चीटों की बात करते हैं, धिक्कार है आप पर, धिक्कार है। घर में बहन बेटी आपकी, कल आप उनको क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि किसी की बेटी की इज्जत लूट गई? वो कहती है हमें आकर के जबरन घर पे ले गया, जबरन ले जाया जाता था टीएमसी ऑफिस में। और ये अच्छा एक मिनट प्रियंका जी, जरा जवाब आने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट करेंगी तो उनका जवाब नहीं आ पाएगा मैडम, थोड़ा सा उनकी आवाज कट जाएगी। हक साहब, मैंने आपसे सियासत पर तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने तो इलेक्शन पर भी कोई सवाल नहीं पूछा था, जहां बात महिलाओं की होती है वहां सियासत क्यों नजर आने लगती है आप सियासतदानों को? आपको क्यों तकलीफ हो रही है हमारी बात को? बिल्कुल तकलीफ होगी, मुझे बिल्कुल तकलीफ होगी सर। मैं आपको सुना दूं क्या एक बार फिर से, वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं कि प्रशासन कैसे मौन रहा, कैसे उनकी बातों को नहीं माना गया, कैसे उनके पतियों को मारने की धमकी दी गई, उनके खिलाफ हो रही ज्यादतियों पर चुप रहने की एवज में। वहां की जो भी महिलाएं हैं वो हमारी जो है वो पेड महिला, जो उनको पैसे दे करके उनको बोला गया है। और शुभेंदु शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती हक साहब आपको? ये मानसिकता है आपकी, आप कौन होते हैं तय करने वाले? एक सेकंड प्रियंका जी, मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट प्रियंका जी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ, रुक जाइए। नहीं हक साहब, आपको ये किसने, नहीं ये किसने अधिकार दिया है आपको कि आप बैठकर जजमेंट पास करेंगे और आप ये तय करेंगे कि वो महिला झूठी है या सच्ची है? किसने दिया आपको अधिकार? आप देखिए प्राची जी, मेरी बात सुनिए अच्छी तरह से सुनिए, आप जो है आप सही बात करेंगे तो सुनूंगी वरना नहीं सुनूंगी। महिला बिल्कुल सुरक्षित है बंगाल में, इतना महिला सुरक्षित है, आप हाथरस में जाके देखे थे क्या हुआ, आप मणिपुर में देखे क्या परिस्थिति हुआ, आप वहां का बात क्यों नहीं करते? मैं करती हूँ, सुनिए, मुझे पता था कि आप ये बात करेंगे। प्रियंका जी प्लीज, पहले मुझे बात करने दीजिए, या मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहती, तू मैं की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, मैं संदेश खाली के दर्द को बाहर लाना चाहती हूँ। प्रियंका जी प्लीज रुकिए, हक साहब मुझे पता था कि आप ये बात करेंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो मणिपुर पर भी बोली थी, मैं तो ब्रजभूषण पर भी बोली थी, मैं उत्तर प्रदेश पर भी बोली थी, मैं हाथरस पर भी बोली थी, लेकिन आप खामोश है संदेश खाली पर, क्यों खामोश है? बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ ममता बनर्जी, क्या है इन लोगों को बहुत बड़ी ये हुआ कि उन्होंने तो फिर शाजा शेख को करवाइए ना गिरफ्तार, क्यों बचा रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कब किया जाएगा सर? कितने दिन हो गए ईडी की टीम पर हमला हुए, कितने दिन हो गए कर रही है आप समझ? बनर्जी उनको निर्दोष कहती है,